लोड हो रहा है माल, वे पूरा लोड हो रहा है। 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं आजादपुर मंडी, देखते हैं वहाँ पे अभी क्या रेट वगैरह चल रहा है। पहले कुछ चेक करते भाई, देखिए सुबह सुबह भाई ने चाय की दुकान खोल रही है 5 बजे ही, और यहाँ पे भी देखिए इनका सबने खोल रखा है दुकान। अच्छा है, सिक्योरिटी गार्ड भी है। चलते हैं देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं महिपालपुर, ये देखिए पूरा अभी भी लाइटें जल रही हैं। थोड़ा सर्दियों का मौसम है इसलिए थोड़ा सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं। देखिए 6:30 हो गए शायद, लाइटें जल रही हैं, स्पीड लिमिट 70 की भाई। यहाँ पे दिल्ली में लगभग गाड़ी चलाना ही महाभारत है, गाड़ियों को बैन कर देना चाहिए जब स्पीड इतनी स्लो चला रहे हैं। यहाँ से धोला कुआँ हमारा 10 मिनट में धोला कुआँ पहुँच जाएंगे यहाँ से, उसके बाद सफ़र शुरू हो जाएगा हमारा आजादपुर मंडी एयरपोर्ट। ऐसा आज कोई प्लेन दिखाई नहीं दिया, मॉर्निंग टाइम है शायद, आज प्लेन नहीं दिखा, ट्रक ट्रक दिख गया, सारे हैवी ट्रक दिख रहे हैं बस। अभी हम लोग पहुंच गए धोला कुआं, ये देखिए काफ़ी मॉडिफिकेशन भी कर दिया धोला कुआं को, शावर चल रहे देखिए बाहर फवारे, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। ये बस स्टैंड बना रखा है छोटा सा, देखिए सामने बिल्कुल शावर चल रहे हैं। पाँच है कम ज़्यादा कम ज़्यादा, G20 में भी कुछ दिल्ली की बहुत अच्छी सफाई हो गई है। यहाँ से नोएडा तक मैं देख के आया था, नोएडा तक भी हो रखा है अच्छा काम, पूरा खाली पड़ा है। 2-4 घंटे बाद आएंगे तो यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। इंडिया गेट है यहाँ से 8 किलोमीटर, धोला कुआं मेन धोला कुआं में आ गए हम लोग, बस स्टैंड के पास यहाँ बस स्टैंड वगैरह है। ऐसे 8 किलोमीटर दूर है सिर्फ इंडिया गेट, एम्स इंडिया गेट, और हम लोग लेफ्ट लेते हैं करनाल बाईपास की तरफ, वही आएगा आपका 2 रोड बना के इसे लेफ्ट में लेके देखते हैं एक बार, इसी पे लेते हैं। दोनों आपस में यहाँ ठीक है, क्रॉसिंग अच्छी है। लेफ्ट होने के बाद इधर ये रोड जाएगा सीधा पंजाबी बाग, नारायणा, कीर्ति नगर होते हुए आपको बाईपास, करनाल बाईपास, आजादपुर, ये देखिए यहाँ दिखा रहा है बोर्ड पे नारायणा पंजाबी बाग आजादपुर। मेट्रो रूट पहले नहीं थे, आप चला दिया इस साइड पे भी, पूरा आप करनाल बाईपास तक जा सकते हैं और इधर से आप बहादुरगढ़ भी जा सकते हैं मेट्रो से। अभी हमने शालीमार बाग क्रॉस किया है, हमारा नेक्स्ट स्टॉपिस है आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी देखते हैं क्या रेट चल रहा है यहाँ पे, पालमपुर गाँव की मंडी और यहाँ की मंडी में क्या फ़र्क है। आजादपुर मंडी लेफ्ट साइड,
बड़ा रफ चला रहा भाई, ये भी शायद वहीं जा रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या पैक है, राजस्थान से आ रहा है। फ्रूट मार्केट में आजादपुर के फ्रूट मार्केट, यहाँ पे सारे ट्रक जो लगे हैं, मेरे ख्याल 50 से भी ऊपर ट्रक लगे हैं फ्रूट के। देखिए हम लोग ढूंढ रहे हैं जो मार्केट, वो गेट नंबर बताया था, अब क्या है 19 गेट नंबर हमें जो बताया था वो गलत हो गया, इसलिए कंफ्यूज हो गए, थोड़ा आगे पहुँच गए थे। ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा है कि आप गाड़ी कहाँ लगाए समझ में नहीं आ रहा भाई। रस पड़ा हुआ है, पार्किंग जगह देखते हैं अच्छी सी गाड़ी पार्क हो जाए, पार्किंग की जगह तो कहीं है नहीं भाई, पूरा फुल गाड़ी ऑटो ऑटो सब यही लगा हुआ। पार्किंग मुझे नहीं लगता पार्किंग मिलेगी यार, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है भाई, पूरा दिन कम पड़ जाए, बदबू बहुत आ रही है यहाँ पे, मुझे लगता है सारी दिल्ली के ना ट्रांसपोर्टिंग गाड़ियाँ यहीं पे ही आई हुई हैं सारी, तो पार्किंग मिली तो देखते हैं, कोई रखने देता है तो लगाते हैं यहाँ पे। ये भैया नारियल वाली मार्केट किधर पड़ेगी, नारियल वाली मार्केट, नारियल, हाँ जी आगे, ठीक है सर, समस्या सबसे बड़ी समस्या है, अगर बाइक पे है तो ठीक है, कार वगैरह में तो बहुत दिक्कत है, मेरे को जब मैं आ रहा था तो वहीं पे मुझे गलत बता दिया उसने कि भाई गेट नंबर उस पर जाओ, अब ये नहीं बताया था कितना दूर है, अब आखिरी में आ गए तो यहाँ पे पता लग रहा है भाई, देखते हैं कार खड़ी कहाँ करें, कोई जगह नहीं भाई यहाँ अंदर, बहुत भीड़ है पूरा, मुझे लगता है यहाँ से तो पूरे हरियाणा में भी सप्लाई होता होगा माल, जितना बड़ा यहाँ पे रश है हरियाणा में भी सप्लाई होता होगा, तो गलत आगे थे जरा था, अब इधर थोड़ा सा देखते हैं, सेब तो बहुत आया हुआ मार्केट में, सेब है बहुत ज़्यादा सेब है, ले जा रहे हैं लोग, भाई अंदर तो जा रहे हैं, बाहर कैसे निकलेंगे ये देखना बाकी है, तो अंदर ही अंदर जा रहे हैं,
मंडी के गन्ने भी बिक रहे हैं यहाँ पे, तो ट्रक के ट्रक आए हुए गन्नों के। पार्किंग का बहुत दिक्कत है भाई, देखते हैं इधर नारियल का मार्केट किधर है। एक साथ चार चार ट्रक लगे हुए हैं एक जगह पे, ये हो सकता है नारियल का, क्योंकि तो ट्रक बड़े सीक्वेंस में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए कुछ मिल गया, यहाँ तो क्या चक्कर है, माल आया गया 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 आया। नो पार्किंग, पार्किंग नहीं दी इन्होंने, गाड़ी खड़ी कहाँ करे भाई। चलो तो बाहर ही आ गए हम लोग, पार्किंग का बहुत दिक्कत है, तो दिन में आना पड़ेगा एक बार एग्जैक्ट मार्केट घूमने के लिए। तो पैदल ही आना पड़ेगा, ये भैया नारियल मार्केट किधर पड़ेगा? पीछे रह गया, ऐसे कैसे हो गया यार, पीछे देखा दिखाई नहीं दिया मेरे को। अब जिस काम के लिए आए हो तो करके ही जाएंगे ना, पीछे चलते। भाई फाइनली हमें मिली है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं इन्होंने मंडी में, जैसे फ्रूट्स का अलग है, वेजिटेबल का अलग है, सब चीज़ का अलग अलग। बहुत बड़ी मंडी है, मतलब कई किलोमीटर फैली हुई, ट्रक कम से कम नहीं तो यहाँ पे इस टाइम 10,000 ट्रक हैं, सिर्फ ट्रक ट्रक। रेड़ियाँ अलग है और जो छोटे हाथी हैं वो अलग है, और टाटा 407 अलग है। अब उन्होंने हमें बताया यहाँ से राइट होना है, ओके यहाँ से राइट। अच्छा ये इधर गन्ना बिक रहा है, उसके उधर बिकेगा ये, अभी गाड़ी मोड़ते हैं जरा सा, है ना, गाड़ी मोड़ते हैं फिर चलते हैं अंदर। इधर से रास्ता है क्या, मिनट के लिए देखते हैं, इधर से रास्ता मिल जाए शायद। अलग अलग सेक्शन है भाई, पहले दिन तो हर जगह दिक्कत होती है, सब बैठ लिया। आपकी जानकारी नहीं है तो महंगा ही मिलेगा। अंदर देखते हैं गाड़ी जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, खड़ी होने की भाई बिल्कुल जगह नहीं है। एंट्री हो रहे हम लोग कोकोनट मार्केट के अंदर, दिया लीजिए एंट्री हो रही भाई, ट्रक को भी एंट्री दे दीजिए आप। वाला भाई भी है यहीं पे ही, यहाँ तो मैं जो नीचे देखिए कितना कबाड़ा गिरा है कोकोनट का, गाड़ी खड़ी कहाँ करें यार। पॉलिथीन में पैकिंग आ रही है, ये गाड़ी खड़ी करने जगह मिल जाएगा अंदर कहीं, मालूम नहीं पहले दिन आए हो गया आप। सही बताओ
अच्छा, कोकोनट से भी एंट्री है उत्तरी, फंस गए बहन जी दोनों तरफ से। पीछे ट्रक आ गया भैया, थोड़ा पिछले ट्रक आ गया इधर। तू बहन जो सर पे चढ़ा देगा यार, इधर लगा लें दो यार, जो गाड़ी फंसा दी यार। चुतिया भैया थोड़ा पीछे रहने देते, मैं गाड़ी इधर लगा लेता, निकाल लेते आप। मैं इशारा भी किया आपको, आप निकाल लेना आगे, मैं गाड़ी दबा दे रहा हूँ। मैंने जो इशारा भी किया, मैं गाड़ी दबा रहा हूँ, फिर भी नहीं माना भाई। एक मिनट भैया, एक एक मिनट रुकना भैया, रुकना सर, दबा दो मिनट के लिए। अंदर भी कहीं नहीं होगा ना, आजादपुर में। ये गाड़ी आई हुई है एक नारियल की, ये ए ग्रेड का माल है सारा, ए ग्रेड का, टोटली ए ग्रेड का माल है। तो अभी लोड कर रहे हैं दूसरी गाड़ी में, सारा माल जा रहा है। ये देखिए इस वाली गाड़ी में जा रहा है माल, 4,400 में। आजादपुर नारियल मंडी में आए हुए भाई, पूरा नारियल ही नारियल है यहाँ। ट्रक, बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। रेट वही है आपका, बी ग्रेड माल ज़्यादा है यार। वे लोड हो रहा है माल, ये पूरा लोड हो रहा है, एक नंबर का माल लोड हो रहा है भाई आजादपुर से। 55 रुपये पर पीस, 55 रुपये, ये एक नंबर का माल है। ये देखिए है आपका 55 रुपये पीस है फ्रेश, 55 रुपये पर पीस। नारियल लोड हो रहा हमारा ये ऑटो में, ये ए ग्रेड ही क्वालिटी है। इसमें पानी निकलेगा 400 से 500 ml निकल जाएगा, 400 से 500 ml भाई। यहाँ पूरा से पूरा के पूरा ना ये नारियली मंडी है टोटली, सारे ट्रक लगे नारियल के।
हमारे ट्रक नारियल के लगे चले देखे पूरे पूरे ट्रक के ट्रक नारियल के चार जो 52 रुपये का पड़ेगा यहाँ से पूरा भीड़ ही भीड़ है। अब अच्छा माल है भाई खरीदने के लिए। ठीक है पहले स्टार्ट करते हैं उधर से फिर देखते हैं इधर से। बहुत भीड़ है भैया चलते हैं यार अब वापस। नारियली तो अभी हम निकल रहे हैं आजादपुर से भाई। निकलना भी यहाँ से महाभारत है। बहुत भीड़ है मतलब रश इतना है ना बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। अब बस फंसी पड़ी है शायद अंदर घुसना। अगर आपको आजादपुर मार्केट घूमना है तो मैं तो कहता हूँ बाइक से आओ। कार की पार्किंग नहीं है। अगर कार पार्क करोगे कहीं पे तो आपको दिल धक रहा है कोई उठा ना ले हटा ना दे भाई। यहाँ पे सिर्फ ट्रक लगा सकते हैं जो माल छोड़ने आए हैं ना उनके लिए फ़ायदा है। क्योंकि हम जिस काम के लिए आए तो हो गए जाम में फंसे हुए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे को। अल्टीमेटली हम लोग आजादपुर से निकल गए भाई। बहुत भीड़ है अंदर जाम बहुत जाम है। हम बाहर निकल गए यहाँ से चलते हैं वापसी। अच्छा लगा घूम के। मंडी बड़ी ख़तरनाक है भाई यहाँ पे। आपको घूमना ना तो गाड़ी लेके आने का फ़ायदा नहीं। गाड़ी लेके आओ तो कहीं दाएं बाएं खड़ी करके आओ। अंदर बहुत मार्केट है। एक दिन में नहीं घूमा जाएगा कम से कम 10 दिन लगेंगे तब आप घूम सकते हो। 10 दिन के बिना नहीं घूम सकते। देखिए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ से यू टर्न लेंगे कैसे लेंगे पता नहीं देखते हैं। यहाँ टोल भी लगा रखा है मेरे ख्याल टोल टैक्स टाइप का भी कुछ है। तो अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा रश है। से हम लोगों को कहाँ जाना राइट जाना है यहाँ से भाई। फ्रूट मार्केट तो हमने देखा ही नहीं है। फ्रूट मार्केट अलग सेक्शन है उसका। थोक वाले अलग है सब्जी का अलग है मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। एक जगह नहीं कि आप एक ही जगह पे सारा माल खरीद लोगे। अरे बाप रे रेड लाइट हो गई। 85 मिनट की रेड लाइट है भाई। तो गाड़ी को रोक लेते हैं यहाँ पे। और पूरा रेड लाइट पे क्रॉस कर रहे हैं सारे। यहाँ तो थाना महेंद्र पार्क पुलिस सहायता केंद्र गेट नंबर 5। हम लोगों ने गेट नंबर 5 से एंट्री किया। हमें गेट नंबर 3 से एंट्री करनी चाहिए। 3 नंबर का बोर्ड देखना पड़े कहाँ पे है भाई। दिल्ली का ट्रैफिक तो दिल्ली का ही है। अब चलते हैं 1 घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग। आज मार्केट तेज है थोड़ा सा।